सो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है राइगर मॉर्टिस। तो देखते हैं राइगर मॉर्टिस में होता क्या है। ओके, तो राइगर मॉर्टिस से हमारा क्वेश्चन, तो हम देखेंगे इसमें अभी क्या होता है। डेथ के बाद क्या होता है। द मसल्स ऑफ द बॉडी पास थ्रू थ्री स्टेजेस। तो मरने के बाद हमारी बॉडी के जो मसल्स है वो थ्री स्टेजेस में से पास होती है। तो सबसे पहला आता है प्राइमरी रिलैक्सेशन और फ्लैसिडिटी, नेक्स्ट है राइगर मॉर्टिस और कैडावेरिक रिजिडिटी। राइगर मॉर्टिस को हम कैडावेरिक रिजिडिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज है हमारा सेकेंडरी फ्लैसिडिटी। ओके, तो सेकेंडरी फ्लैसिडिटी है थर्ड स्टेज हमारे मसल्स का। तो देखते हैं पहले जो हमारा प्राइमरी फ्लैसिडिटी है थे और रिलैक्सेशन, प्राइमरी फ्लैसिडिटी और रिलैक्सेशन इसमें क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे दिस इज द स्टेट ऑफ मसल्स बिगनिंग विद द सोमैटिक डेथ एंड दिस फेज मॉलिकुलर डेथ डज नॉट ऑकर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इस स्टेज में मॉलिकुलर डेथ नहीं होती है। ओके, दिस स्टेज लास्ट फॉर 1 to 2 आवर्स। ये जो स्टेज होती है वो 1 से 2 आवर के लिए होती है और इसमें वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती है वो रिलैक्स होती है मरने के बाद। ऑल मसल्स जो है रिलैक्स हो जाती है, जो वो वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री। नेक्स्ट है मसल्स इरेटेबिलिटी कैन रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई परसिस्ट। तो जो मसल्स जो होती है हमारी वो तीनों स्टिमुलाई को, यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, तीनों स्टिमुलाई को मतलब रिप्लाई करती है। स्टिमुलाई परसिस्ट। ओके, नेक्स्ट है पेरिस्टाल्टिस में ऑकर इन इंटेस्टाइन विद सिलियरी मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स। तो वो पेरिस्टाल्टिस ऑकर होती है स्टेज में इंटेस्टाइन्स में। पेरिस्टाल्सिस देखी जा सकती है इस स्टेज में प्राइमरी फ्लैसिडिटी और रिलैक्सेशन में। नेक्स्ट है दिस स्टेज द मसल्स रिएक्शन इज अल्कलाइन एंड द अनएरोबिक एक्टिविटी इन द सेल्स में कंटिन्यू। तो मसल्स रिएक्शन इज अल्कलाइन होती है यहाँ पे एंड नेक्स्ट क्या है एरोबिक रिएक्शन परसिस्ट होती है। तो यहाँ पे जो एरोबिक रिएक्शन मसल्स में देखी जा सकती है पीपल रिएक्ट्स टू एट्रोपिन और फिजोस्टिग्मिन बट नॉट टू लाइट। तो पीपल जो है वो एट्रोपिन और फिजोस्टिग्मिन को क्या करती है, रिएक्ट करती है, बट ये क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मॉलिकुलर डेथ अभी तक नहीं हुआ है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी फ्लैसिडिटी और रिलैक्सेशन। प्राइमरी फ्लैसिडिटी और रिलैक्सेशन में हम एक और फिनोमिनॉन देखेंगे जिसे हम कहते हैं झास्कोस फिनोमिनॉन और टेंडन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो क्वाड्रिसेप मसल्स जो हम अगर हैमर करें उसको कहाँ पे 10 सेंटीमीटर अबो पटेला, तो वो क्या करती है कॉन्ट्रैक्शन दिखाती है। ओके, तो ये जो है ये हमें वन टू टू आवर्स के लिए दिखाई देती है। तो इसमें हम देखेंगे क्या होता है। तो इफ इफ क्वाड्रिसेप मसल्स इज स्ट्रोक्ड विद हैमर अबाउट 10 सेंटीमीटर अबो पटेला विल कॉज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ पटेला। यहाँ पे जो है पटेला की अपवर्ड मूवमेंट होती है एंड दिस कैन बी सीन अप टू 1 to 2 आवर्स आफ्टर डेथ। तो ये हो गया हमारा झास्कोस फिनोमिनॉन। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा राइगर मॉर्टिस और कैडेवरिक रिजिडिटी। ओके, तो इसमें हम देखेंगे क्या होता है। तो राइगर मॉर्टिस की हम डेफिनेशन देखेंगे। राइगर मॉर्टिस इज अ स्टेट ऑफ स्टिफनिंग ऑफ मसल, स्टेट ऑफ स्टिफनिंग ऑफ मसल समटाइम्स विथ स्लाइट शॉर्टनिंग ऑफ फाइबर। तो इसमें क्या होता है, मसल्स एक तो स्टिफ होती है और जो फाइबर्स होते हैं उसकी वो शॉर्ट हो जाते हैं, बहुत ही कम, मतलब स्लाइट शॉर्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तो पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजी देखते हैं क्या होता है। तो वॉलंट्री मसल्स कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग फाइबर्स। ईच फाइबर्स इज फॉर्म डेंसली पैक्ड मायोफाइब्रिल्स एक्सटेंडिंग थ्रू द होल लेंथ। द मायोफाइब्रिल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स एंड मेडअप ऑफ प्रोटीन्स फिलामेंट्स ऑफ टाइप। तो जो हमारी मायोफाइब्रिल्स होती है वो 4 टाइप्स की प्रोटीन्स से बनती है। एक तो होती है मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन वन, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल जो हमारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं इसमें ये प्रोटीन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल मतलब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है मसल्स का। तो सबसे पहले आता है डिस्चार्ज फ्रॉम मोटर न्यूरॉन, डिस्चार्ज फ्रॉम मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट है जब मोटर न्यूरॉन से डिस्चार्ज आता है तो तब क्या होता है, एसिटिल कोलिन रिलीज होता है मोटर इनप्लेट पे।
बाइंडिंग टू एसिटिल्कोलाइन रिसेप्टर जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में होती है। तो इंक्रीज सोडियम एंड पोटेशियम कंडक्टेंस ऑफ द एंड प्लेट पोटेंशियल। ओके, तो सोडियम और वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पोटेशियम सोडियम एंड पोटेशियम का कंडक्शन कंडक्टेंस बढ़ा देती है। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन द मसल फाइबर विद इनवर्ट स्प्रेड ऑफ डाइपोलराइजेशन अलॉन्ग द टी टिबुल्स के साथ जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो ऑल ओवर मसल में स्प्रेड हो जाता है। द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे क्या होता है जो एक्शन पोटेंशियल से कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन सी जो कि जाके ट्रोपोनिन सी को बाइंड्स करता है एंड अनकवर्स द बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन। ओके, तो उससे क्या होता है द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट एंड स्लाइडिंग ऑफ एक्शन फिलामेंट ओवर द मायोसिन कॉजिंग शॉर्टनिंग एंड दस कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हो गई हमारी पूरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पूरा क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन के दरम्यान। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलैक्सेशन में क्या होता है। अब हम देखेंगे रिलैक्सेशन कैसे होता है। कैल्शियम पंप बैक इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ट्रोपोनिन सी एंड द सीजेशन ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन रिलैक्स मसल्स। जब कैल्शियम पंप मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप बैक मतलब वापस लिया जाता है तो वो ट्रोपोनिन सी को रिलीज कर देता है और वो क्या करता है सीजेशन इंट्रैक्शन बिटवीन वो सीज कर देती है इंट्रैक्शन एक्टिन एंड मायोसिन का और मसल्स रिलैक्स हो जाती है। तो ये होगा नॉर्मल रिलैक्सेशन। तो ये है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ऐसी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो गाइज हम देखते हैं इस पे मैकेनिज्म क्या होता है राइगर मॉर्टिस का। तो हमें पता है कि जब एटीपी, ये मायोसिन हेड, ये मायोसिन हेड मायोसिन और ये है एक्टिन। ओके, तो इसमें क्या होता है मायोसिन हेड में एटीपी आके बाइंड हो जाता है एटीपी बाइंडिंग साइट को यहाँ पे मायोसिन हेड में, और एटीपीस क्या करता है एटीपी को ब्रेक डाउन करता है किस किस में, एडीपी फॉस्फेट एंड एनर्जी। तो ये जो एनर्जी होती है वो बाइंडिंग प्रोसेस में काम आती है। जब ये मायोसिन हेड एक्टिन को बाइंड करता है तब ये एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज होती है, और बाद में क्या होता है जो एडीपी एंड आईपी बचता है वो हेड पे अटैच होता है, रिमेन्स अटैच टू द हेड। एंड जब तो ये कब होता है जब ये मसल्स कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, जब ये मसल मायोसिन हेड एक्टिन को बाइंड हो जाता है तब एडीपी एंड फॉस्फेट जो है वो मायोसिन हेड को अटैच ही रहते हैं। और जब हमें ये सेपरेशन कर मतलब रिलैक्सेशन करना होता है मसल्स का तब हमें ये एक्टिन और मायोसिन सेपरेट करना होता है। तो तब यहाँ पे क्या होता है एटीपी जो है वो एटीपी अपने आके यहाँ पे अपने बाइंडिंग साइट को बाइंड हो जाता है और ये एडीपी एंड आईपी निकल जाते हैं और फिर से ये हेड सेपरेट हो जाता है। तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एटीपी दोनों जगह काम आता है, आइदर कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी काम आ रहा है और रिलैक्सेशन के लिए भी काम आ रहा है। तो ये है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, सॉरी ये फिजियोलॉजिकल नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है जो कि आप देख सकते हैं कहाँ पे राइगर मॉर्टिस में। तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग लाइफ सेपरेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर कॉन्ट्रैक्शन आर डिपेंडेंट ऑन एटीपी। हमने देखा यहाँ पे कि एटीपी से रिलैक्सेशन के में भी काम आता है। नेक्स्ट, द डिसफॉस्फोरिलेशन ऑफ एटीपी बाय एक्शन ऑफ एटीपेज प्रोड्यूस एडीपी। हमने देखा एडीपी फॉस्फेट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने पहले ही बता दिया है ये। आफ्टर द सोमेटिक डेथ इनफ एटीपी इज प्रेजेंट इन द मसल्स टू मेंटेन रिलैक्सेशन। ओके, डेथ के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी हमारे मसल्स में होती है। आफ्टर डेथ द एटीपी इज प्रोग्रेसिवली एंड इरिवर्सिबली डिस्ट्रॉयज लीडिंग टू इंक्रीज अकुमुलेशन ऑफ लैक्टेट एंड फॉस्फेट इन मसल्स एंड देर इज नो रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो जब डेथ हो जाती है तो हमारे बॉडी में जो एटीपी होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है। ओके, एंड हमारे मसल्स में जो होता है वो लैक्टेट एंड फॉस्फेट्स बढ़ जाता है, एंड यहाँ पे जो होता है वो फॉस्फेट से मतलब दोबारा एटीपी यूटिलाइज की जा सकती है लैक्टेट एंड फॉस्फेट से, बट क्योंकि डेथ हो चुकी है तो यहाँ पे एटीपी फिर से नहीं बन रहा है। डेथ के बाद क्या होता है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम स्टोर होता है वो रिलीज हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है जो हमने पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी देखी थी तो वो बॉडी क्या करती है वही नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस फॉलो करती है। द नॉर्मल रिलैक्सेशन इज लाइफ इज अचीव बाय एनर्जी डिपेंडेंट पंपिंग कैल्शियम बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट दिस फेल्स आफ्टर डेथ बिकॉज मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन एंड लैक ऑफ एटीपी। तो नॉर्मली क्या होता है जो कैल्शियम हमारी मसल्स में रिलीज हो चुकी है वो एक एटीपी डिपेंडेंट पंप होता है कैल्शियम पंप, वो उस कैल्शियम को
फिर से रिस्टोर कर देता है कहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, तो ये जो फंक्शन है वो नॉर्मल लाइफ में होती है, बट डेथ के बाद क्योंकि एटीपी वहाँ पे हमें हमारे पास नहीं है, तो कैल्शियम रिमेन्स इन द मसल्स। ओके, सो ड्यू टू विच इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द सार्कोमियर्स एंड कॉज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। उसके अलावा क्या होता है, सार्कोमियर में जो होता है वो कैल्शियम बढ़ जाता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में ही रहती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन एटीपी रिड्यूस टू क्रिटिकल लेवल। तो क्रिटिकल लेवल कितना है, 85% ऑफ नॉर्मल। द ओवरलैपिंग पोर्शन ऑफ द मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स कंबाइंड एज रिजिड लिंक्स ऑफ एक्टोमायोसिन विच इज स्टिकी इनएक्सटेंसिबल एंड कॉज हार्डनेस एंड रिजिडिटी ऑफ द मसल्स राइगर। तो ये हो गया हमारा, जब मसल्स में एटीपी कम हो जाता है तब एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं वो बाइंड स्टेट में रह जाते हैं। ओके, देन एक्टिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स इज ट्रैप्ड इन द स्टेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन अंटिल फिजियोलॉजिकल डिस्टर्ब बाय ऑनसेट ऑफ प्यूट्रीफैक्शन। प्यूट्रीफैक्शन माने डिकम्पोजिशन। ओके, तो डिकम्पोजिशन जब शुरू होता है तभी ये मसल्स फिर रिलैक्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है। ओके, तो उसके कारण एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट सेपरेट हो जाते हैं और मसल्स रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं। तो योग है हमारा मैकेनिज्म ऑफ राइगर मॉर्टिस। सो गाइस, नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ राइगर मॉर्टिस। अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ राइगर मॉर्टिस, तो देखेंगे हम राइगर मॉर्टिस ऑकर इन ऑल सॉर्ट ऑफ मसल्स दैट इज स्ट्राइटेड स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। इट्स ऑकर्स अर्लियर इन इनवॉलंट्री मसल्स दैन वॉलंट्री मसल्स। तो राइगर मॉर्टिस जो है सबसे पहले कहाँ आता है, इनवॉलंट्री मसल्स में। नेक्स्ट द मायोकार्डियम बिगिंस मायोकार्डियम बिकम रिजिड इन आवर। सबसे पहले राइगर मॉर्टिस स्टेट में कौन जाता है, राइगर में कौन जाता है, मायोकार्डियम, जो कि प्रॉक्सिमल फर्स्ट आवर में होता है। नेक्स्ट इट बिगिन्स इन द आई आईलिड लोअर जॉ नेक एंड पासिस अपवर्ड मसल्स ऑफ द फेस ऑनवर्ड्स टू द मसल्स ऑफ द चेस्ट अपर लिम एब्डोमेन लोअर लिम एंड लास्टली फिंगर्स। तो जो द प्रोसेस ऑफ द राइगर मॉर्टिस इज प्रोक्सिमो डायस्टल। ओके, तो ये कहाँ से होती है, हेड की तरफ से टो की तरफ, सॉरी हेड की तरफ से टो की तरफ वो बढ़ती है। कहाँ से, हेड से लेकर टो तक राइगर मॉर्टिस फैलता है और एंड द डिसअपीयरेंस इन द सेम ऑर्डर इन विच इट अपियर्स। और ये डिसअपियर भी इसी मैनर में होता है, कहाँ से, हेड से टो की तरफ। मतलब राइगर मॉर्टिस अपियर भी हेड से टो की तरफ होता है और डिसअपियर भी हेड से टो की तरफ ही होता है। देखेंगे मार्च ऑफ राइगर में क्या होता है, तो इसे हम रूल ऑफ 12 भी कहते हैं, मार्च ऑफ राइगर राइगर को। ओके, इट इज जनरली कंसिडर्ड दैट इट टेक्स अबाउट 12 आवर आफ्टर दैट टू डेवलप राइगर मॉर्टिस। तो यूजुअली 12 आवर लगते हैं राइगर मॉर्टिस डेवलप होने के लिए, रिमेंस फॉर अनदर 12 आवर और वो सेम स्टेट में रहता है कब तक, अगले 12 घंटे तक। एंड इट टेक्स अबाउट 12 आवर्स टू पास ऑफ, एंड 12 घंटे मतलब वो जाने के लिए लगता है। ओके, तो ये एक ग्राफ है, इसमें से 12 घंटे ऑनसेट में लगता है, ये इस स्टेज में कांस्टेंट रहता है 12 से 24 एंड 36। तो ये हो गया हमारा ग्राफ मार्च ऑफ राइगर का, और ये है टाइम सिंस डेथ। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एक अप्लाइड क्या है इसका, राइगर मॉर्टिस में अफेक्ट द डाउटस मसल्स ऑफ द स्क्रोटम। तो जो स्क्रोटम के डाउटस मसल्स को अफेक्ट करता है दैट कंप्रेस द टेस्टिस एंड इपिडिडामिस कॉजेस पोस्टमार्टम इमिशन ऑफ द सीमेन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा ऑनसेट अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द राइगर मॉर्टिस। नेक्स्ट हम लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग राइगर मॉर्टिस। तो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं राइगर मॉर्टिस को, तो सबसे पहले आता है एज। तो एज में क्या होता है, राइगर डज नॉट ऑकर इन द फिटस ऑफ लेस देन 7 मंथ्स। 7 मंथ से छोटे फिटस को राइगर मॉर्टिस, छोटे फिटस में राइगर मॉर्टिस देखा नहीं जाता है। मस्कुलर स्टेट, तो मस्कुलर स्टेट में क्या है, ऑनसेट इज स्लो एंड ड्यूरेशन ड्यूरेशन इज लॉन्ग इन केस वेयर मसल्स आर हेल्दी एंड रेस्ट बिफोर डेथ। ओके, तो ऑनसेट क्या होता है, जो मसल्स रेस्टिंग स्टेट में होती है वहाँ पे ऑनसेट स्लो होता है और ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, किसका, राइगर मॉर्टिस का। और जो मसल्स एग्जॉस्टेड स्टेट में या फिर फटिक स्टेट में होती है तो उसमें राइगर मॉर्टिस फास्ट आता है और ड्यूरेशन लेस होता है उसका। ओके, तो ये हो गया हमारा
मस्कुलर स्टेट। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिक ऑफ द पर्सन, तो फिजिक्स फिजिक कैसे काम आती है। राइगर मॉर्टिस अपियर अर्ली एंड पासिस ऑफ अर्ली इन थिन बिल्ड सब्जेक्ट। जो पर्सन थिन होते हैं उनमें राइगर मॉर्टिस जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। एंड थिन सब बिल्ड सब्जेक्ट विद मस्कुलेचर, जिनमें तो थिन हमारा सब्जेक्ट जब अगर थिन है तो उसमें मस्कुलेचर भी कम होगा, इसके कारण राइगर मॉर्टिस अर्ली आता, मतलब जल्दी आता है और जल्दी से चला भी जाता है इन कंपैरिजन टू वेल बिल्ड पर्सन। और जो पर्सन बिल्ड मतलब उनका वेल बिल्ड है, उनकी बॉडी पोस्चर अच्छा है, तो बॉडी पोस्चर है ना, बॉडी मास अच्छा है, तो उनमें जो है राइगर मॉर्टिस देर से आता है और ज़्यादा समय के लिए रहता है। तो सीज़न देखेंगे, सीज़न कैसे अफेक्ट करता है। तो सीज़न हम देखेंगे, सीज़न इन समर सीज़न विद द हाई एटमोस्फेरिक टेम्परेचर राइगर मॉर्टिस अपेयर अर्ली एंड पासिस ऑफ अर्ली इन कंपेरिजन टू विंटर सीजन। तो समर में राइगर मॉर्टिस जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। ओके तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो प्रेजेंस ऑफ राइगर मॉर्टिस इज द साइन ऑफ डेथ। नेक्स्ट टाइम सिंस डेथ कैन बी एस्टिमेटेड। इंडिकेट्स पोजिशन ऑफ द बॉडी। राइगर मॉर्टिस इज नॉट फंक्शनली रिलेटेड विद द नर्व सिस्टम, देयर फॉर इट ऑल्सो डेवलप इन पैरालाइज मसल्स। तो राइगर मॉर्टिस जो है वो पैरालाइज मसल्स में भी दिखाई देता है। राइगर मॉर्टिस इज मे बी कन्फ्यूज विद कैडेवरिक स्पाज, हिट स्टिफनिंग और कोल्ड स्टिफनिंग। तो राइगर मॉर्टिस को इन तीनों के साथ कन्फ्यूज होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कन्फ्यूज होता है। तो ये हो गया हमारा मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ राइगर मॉर्टिस।